Hey guys, welcome back to our channel, Mini and Manish the Gary Renter. मेरा नाम है मिनी और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ टोरंटो के 5 फेमस प्लेसेस एट जस्ट $105. ये सिटी पास आपको पड़ेगा $105 और आप $78 तक बचा कर ये पास ले सकते हैं। अब ये 5 प्लेसेस कौन कौन से हैं, कब इसको विजिट कर सकते हैं, कैसे जाना है, कब तक सिटी पास वैलिड है और किस किस प्लेसेस में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तो इस वीडियो में आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी। पर मैं आपको बता दूं कि इस $105 में ये सिर्फ एक पास है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है। सिटी पास का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा, बिकॉज इसके अगर 5 प्लेसेस हैं तो मैं आपको 5 प्लेसेस बहुत अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, ताकि घूमने से पहले आपको उस जगह की जानकारी मिले जहाँ पर आप घूमने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। So everything you need to know about Toronto City Pass, जहाँ पर आपको एडल्ट के $105 पे करने हैं तो वहीं पर ही आपको 4 से 12 साल तक के बच्चों के $72 पे करने होंगे और ये अमाउंट मैंने आपको विदाउट टैक्स बताया है। और हाँ, पार्किंग इंक्लूड नहीं है इसमें। सो व्हाट विल यू सी विद द सिटी पास? सीएन टावर, रिप्लीस एक्वेरियम ऑफ कैनेडा, रॉयल ऑन्टोरियो म्यूजियम, कैसलोमा और जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें से आपको टोरंटो जू और ऑन्टोरियो साइंस सेंटर में से चूज करना होगा। एंड यू नो व्हाट, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, एंट्री के टाइम पर आपको टिकट्स के लिए इन लंबी लाइन में नहीं लगना होगा, जस्ट स्कैन कराओ और एंट्री करो। फ्रॉम वेयर टू गेट द सिटी पास? सो सिटी पास आर इजीली अवेलेबल एट सम अट्रैक्शन, एट सम प्लेसेस, बट आप चाहे तो सिटी पास को आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। जैसे आप बुक कराएंगे, वो आपका जो सिटी पास है वो आपके ईमेल में आ जाएगा, तो ईमेल से आप उसको डायरेक्टली या तो डिजिटली आप अपने टैबलेट से या फिर मोबाइल से स्कैन करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इफ़ यू प्रेफर हार्ड कॉपी तो आप ईमेल से आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। Now, how to use City Pass? So you have 1 year from the date of purchase to start your tickets. But once you arrive at your first place, तो वहाँ से आपका जो City Pass है, they will scan your City Pass and वहाँ से आपका activate हो जाएगा आपके other 4 stops पे। उसके बाद you have just 9 days आपको वो सारे stop cover करने हैं। तो हमारा आज का जो पहला अट्रैक्शन है वो है रिप्लेस एक्वेरियम ऑफ कैनेडा। सिटी पास मिल गया है, ये 9 डेज के लिए वैलिड है। इसमें आप 5 डेस्टिनेशन कवर कर सकते हो, सीएन टावर, ऑन्टोरियो म्यूजियम, रिप्लेस, कैसलोमा और टोरंटो जू। तो अभी इन्होंने बोला है कि ऑन्टोरियो म्यूजियम और सीएन टावर के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो हम अभी अपॉइंटमेंट लेंगे नहीं। आज का प्लान है खाली रिप्लेस कवर करने का। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी सीएन टावर बंद पड़ा हुआ है, तो हम प्रॉब्ली आज अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। तो अब चलते हैं सीधा रिप्लेस। एंट्रेंस में ही आपको 2 स्केलेटन देखने को मिलेंगे। ये हमबैक व्हेल स्केलेटन है और ये अभी भी एग्जिस्ट करती है एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हेल ऑन द अर्थ। So this one is a Siphactinus killer fish which was lived 350 million years ago. रिप्लेस एक्वेरियम को पहले 2004 में नाइग्रा फॉल्स ऑन्टारियो में बनाने का प्लान था। हाउएवर द प्लानिंग फेल्ड एंड रिप्लेस इवेंचुअली रिलोकेट टू टोरंटो। अगस्त 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई विद द फाइनल कॉस्ट अप्रोचिंग कैनेडियन डॉलर 150 मिलियन। October 2013 में एक्वेरियम पब्लिक के लिए ओपन हुआ। रिप्लेस हैड टू फेस प्रोटेस्ट फ्रॉम द एनिमल कंजर्वेटिव ग्रुप व्हिच क्लेम्ड कीपिंग एनिमल केज्ड इज इक्वल टू एनिमल अब्यूज। एंड अ पॉपुलर सोशलिस्ट नेम बॉब टिमन्स पब्लिकली स्पोकन आउट अगेंस्ट रिप्लेस एक्वेरियम अबाउट हैविंग एन एंडेंजर्ड टाइगर शार्क्स। एक्वेरियम में 5.7 मिलियन लीटर पानी है और इट शोज मरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। द एक्वेरियम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 गैलरीज जो कि आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा और ये एक्वेरियम 20,000 से भी ज्यादा जानवरों का घर है। यू नो स्टारफिश आर नॉट फिश, क्योंकि इनके पास मछली जैसे फीचर्स नहीं है जैसे गिल्स एंड फिन्स। हालांकि स्टारफिश अंडर वाटर और समुद्र के किनारे रहती है। They have no brains nor blood.
बट स्टारफिश की आंखें होती है. ऑलमोस्ट ऑल पीपल गेट सरप्राइज नोइंग स्टारफिश हैज आईज. What happens if the sea loses light? It regenerates. ये है फ्लेशी सी पेन. ये पुराने जमाने की क्विल पेन जैसा दिखता है, जिस वजह से इसका नाम सी पेन पड़ा. तो चलते हैं अब रेनबो रीफ की तरफ. तो जैसा कि गैलरी का नाम रखा गया है रेनबो रीफ, तो यहाँ पर कलरफुल फिशेस रखी गई हैं और यहाँ पर 100 स्पीशीज ऑफ फिश हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं. डेंजरस लगून, तो ये रिप्लीस एक्वेरियम का सबसे ब्रेथ टेकिंग अंडर वाटर गैलरी है. लगभग 2.9 मिलियन लीटर पानी में डेंजरस लगून रिप्लीस एक्वेरियम का सबसे बड़ा टनल है. इसके नीचे 96 मीटर लंबा मूविंग फुटपाथ है. अगर आप चाहे तो उस मूविंग फुटपाथ में आ सकते हैं, अदरवाइज आप साइड में भी चल सकते हैं. सो डेंजरस लगून के जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ के शार्क्स. So probably the most striking shark you'll meet here is the Sen tiger shark. 6.5 से 10.5 फीट की लंबाई और 91 से 159 केजी तक इसका वजन होता है. अगर आप लकी हुए तो आप यहाँ शार्क को फीड कराते हुए भी देख सकते हैं. ये अटलांटिक टार्पन फिश है और ये एक रे फिन फिश है जो कि नदियों खारे पानी के तालाब में पाई जाती है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिल्वर किंग. ये है सॉ फिश और इसे कारपेंटर शार्क भी कहा जाता है. और हम जितनी बार भी एक्वेरियम आए हैं हमें ये टनल की छत पर हमेशा आराम करती हुई दिखती है. येलो टेल स्नैपर, ये फिश मैसाचुसेट्स से ब्राजील तक पाई जाती है जिसमें मैक्सिको की खाड़ी भी शामिल है. और इसे पहचानना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ इसकी जो येलो स्ट्रैप है, इससे आप इजीली इस फिश को पहचान सकते हो. सो यहाँ किड्स क्रॉल जोन बना है जहाँ से बच्चे आप देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही बारीकी से जानवरों को या फिशेस को देख सकते हैं. This area is specifically for kids. सारे बच्चों के लिए मस्त जगह. ये देखो. So this is lionfish. Lionfish is one of the dangerous fish. इसका जहर अगर इंसान के अंदर इंजेक्ट हो जाए तो काफी पेनफुल हो सकता है. कुछ ही मिनट में डंक वाली जगह में मसल वीकनेस, स्वेटिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन फील होने लगता है. और लाइन फिश को अगर खाना नहीं मिले तो वो दूसरी लाइन फिश को भी खा सकती है. सो ये है पॉक्यूपाइन पफर फिश. और जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने साइज से दो गुना हो जाती हैं, कुछ इस तरह. सो ये है सी ड्रैगन जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना. तो सी ड्रैगन की पीठ की ओर एक लंबा ड्रॉजल फिन और नेक के दोनों ओर छोटे छोटे पैक्टोरल फिन होते हैं जो बैलेंस बनाए रखते हैं. सो कॉमन सी ड्रैगन कैन रीच 45 सेंटीमीटर इन लेंथ. सो अब चलते हैं एक्वेरियम के एक ऐसे साइड में जिसका नाम शिप रेक्स रखा गया है. एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च 2020 में रिप्लीस एक्वेरियम में शिप रेक खोला गया. यहाँ पर आप दुनिया भर की मिस्टीरियस स्टोरीज, यूनिक स्पीशीज और पानी की सतह पर मिलने वाली काफी सारी चीजों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. सो अब चलते हैं रिप्लीस एक्वेरियम की सबसे खूबसूरत गैलरी प्लैनेट जालीज की तरफ. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड एनिमल एट द एक्वेरियम, द पैसिफिक सी नेटल्स. द पैसिफिक सी नेटल्स हैज नो ब्रेन नो आईज, इनमें बस लाइट सेंसिंग ऑर्गन्स हैं. अपसाइड डाउन जेलीज, सो इनका जो बेल होता है वो ओशन फ्लोर पे होता है और जो टेंटिकल्स होते हैं वो आसमान की तरफ फेसिंग होती है, जिस वजह से इनको अपसाइड डाउन जेलीज कहा जाता है. सो अब चलते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरफ. ये पूरे एक्वेरियम का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होल्ड
5.7 मिलियन लीटर ऑफ वाटर जिसमें एक्वेरियम में पानी पंप होता है। इस सिस्टम की वजह से ऑलमोस्ट 95% पानी रीयूज होता है और 5% पानी ह्यूमन नीड लाइक वॉशरूम और किचन में यूज होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में 10 पंप्स हैं जो सभी एक्वेरियम में पानी पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर पर मिनट 68,000 लीटर से ज्यादा पानी पंप करते हैं। डेली अराउंड 98 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इज ट्रीटेड इनसाइड दिस पंप एंड रिमूव इम्प्योरिटी। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए काफी गेम्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे काफी चीजें सीखते हुए इसको एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज द एंड ऑफ एक्वेरियम एंड दिस सेक्शन इज वन ऑफ माई फेवरेट वन, जहां आप स्टिंग रे को टच कर सकते हैं। स्टिंग रेज आर नॉट एग्रेसिव, दे आर क्यूरियस एंड प्लेफुल एनिमल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टिंग रे अपने आपको कैसे टच करवा रही है, कैसे अपना फेस हल्का सा पानी से बाहर निकालती है। यहीं पर हम वीडियो खत्म करते हैं और चलते हैं सेकंड डेस्टिनेशन। सो ये थी हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन की पूरी जर्नी, रिप्लीस एक्वेरियम ऑफ कनाडा। तो मिलते हैं आपसे सेकंड डेस्टिनेशन टोरंटो ज़ू में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।